मैं 3 तारीख को भद्रक से, सोरा से, महानग्गा से और बालेश्वर से होता हुआ बताया गया कि सभी पेशेंट्स जो थोड़ा क्रिटिकल हैं उनको SCV में भेजा गया। तो उसी दिन SCV में आने का मन था लेकिन रात के 10 बज चुके थे। तो आज SCV में आकर देखा है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड से है, ऐसे सभी पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मदर इंडिया ट्रीट कर रही है या प्रभु जगन्नाथ के पुत्र पुत्रियां ट्रीट कर रही हैं। आप सबकी बहुत बड़ा प्रयास है आप सब लोगों का, और उड़ीसा अनपैरेलल्ड है। प्रभु जगन्नाथ यहाँ रहते हैं इसलिए जो उड़ीसा कर सकता है वो विश्व में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उड़ीसा का ये जो SCV है जो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, और आज भी यहाँ के डॉक्टर्स जिनको साइंटिस्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं विश्व में अनोखे हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग 140 के करीब बचे हुए हैं और मैं मिला हूँ काफ़ी से, सभी ठीक हैं। 12 लोग केवल ICU में हैं, वो भी सब ठीक हैं, उनके भी ऑपरेशन हो जाएंगे। केवल एक केस ऐसा है जिसका शायद ब्रेन का ऑपरेशन होना है। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो तपस्या आप सब लोग कर रहे हैं, आप भी, आपकी तपस्या कम नहीं है। और इसलिए सबको बराबर से सूचना देना, जानकारी देना, घर बारों को जानकारी देना, ये सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है और पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। और मिशन शक्ति का बहुत बड़ा रोल है, नर्सिस का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि सबको प्रणाम करने का दिल करता है और आपको भी।